हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम शुरू करते हैं इस एग्जांपल से। टेक अ टॉर्च लाइट एंड कीप इट स्टेबल एट वन प्लेस। हमें एक टॉर्च लाइट लेनी है और उसे स्थिर जगह पर, स्टेबल जगह पर रखनी है। टेक टू लार्ज पेपर शीट, लार्ज इनाफ टू एकोमोडेट इट्स एंटायर बीम। पेस द पेपर ऑन टू फ्लैट बोर्ड्स। इसके बाद में हमें दो पेपर की बड़ी शीट्स लेनी है और ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि टॉर्च से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो बीम है, ये इसके अंदर फिट हो सके, इसके अंदर समा सके। इसी पेपर्स को हमें दो फ्लैट बोर्ड्स पर चिटकाने हैं। होल्ड द बोर्ड्स परपेंडिकुलर टू द बीम। हमें इस बोर्ड की जो पोजिशन है, जो बीम से, वो परपेंडिकुलर रखनी है यानी 90 डिग्री रखनी है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द एरिया लिट अप बाय द बीम, नेम द पेपर ए। टॉर्च से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, जो बीम है, इससे एक एरिया लिट अप हो जाएगा पेपर पर। तो पेपर पर जो एरिया रोशन होगा, इस रोशन हुए एरिया को हमें आउटलाइन करना है और इस पेपर का नाम देना है हमें ए। नाउ यूज द अदर पेपर, होल्ड इट इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द बीम। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम, नेम द पेपर बी। इसके बाद में हमें दूसरा पेपर लेना है और यहाँ पे बोर्ड की जो पोजिशन है वो बीम से, वो 120 डिग्री एंगल की रखनी है। टॉस से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, जो बीम है, इससे एक एरिया लिट अप हो जाएगा पेपर पर। इस रोशन हुए एरिया को हमें आउटलाइन करना है और इस पेपर का नाम देना है हमें बी, और हमें ऑब्जर्व करने हैं ये दोनों पेपर ए और बी को। कुछ क्वेश्चन के जरिए हम इन पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऑन विच पेपर डज द बीम ऑक्यूपाइज अ लार्जर एरिया। किस पेपर पर जो टॉस से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो बीम है, वो बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करती है। आंसर, द बीम ऑक्यूपाइज अ लार्जर एरिया ऑन द पेपर डेट इज हेल्ड इन सच अ वे डेट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द बीम। तो उस पेपर पर बीम का, किरणों का ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है जिसकी पोजिशन बीम से 120 डिग्री एंगल पर थी। ऑन विच पेपर इज द एरिया स्मॉलर, और किस पेपर पे बीम का एरिया छोटा है। आंसर, द एरिया इज स्मॉलर ऑन द पेपर डेट इज हेल्ड इन सच अ वे डेट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर विद द बीम। तो उस पेपर पर बीम का एरिया, किरणों का एरिया जो छोटा है, जिसकी एंगल बीम से परपेंडिकुलर थी यानी 90 डिग्री थी। नाउ चेंज द एंगल बिटवीन द बीम ऑफ लाइट एंड द पेपर। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट ऑकर इन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम ऑफ लाइट। अब हमें टॉर्च की जो बीम है, जो किरणें हैं, और पेपर के एंगल को चेंज करना है और ये देखना है कि पेपर के ऊपर जो बीम से, किरणों से जो जगह ऑक्यूपाई हो रही थी, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ द पेपर एंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम। पेपर के एंगल में और जो पेपर पर जो एरिया ऑक्यूपाई हो रही है बीम से या किरणों से, इन दोनों में क्या रिश्ता है। आंसर, व्हेन द एंगल ऑफ पेपर विद द बीम इज ऑफ लेस डिग्री द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम इज स्मॉलर। On the other hand, when the angle of paper with the beam is of more degree, the area occupied by the beam is larger. जब पेपर का एंगल बीम से छोटे डिग्री का रहता है, तो पेपर पर जो जगह ऑक्यूपाई हो रही है बीम से, किरणों से, वो भी छोटी रहती है। दूसरी तरफ जब पेपर का एंगल बीम से बड़ा रहता है, बड़ी डिग्री का रहता है, तो पेपर पर जो बीम से जगह ऑक्यूपाई हो रही है वो भी बड़ी रहती है। आप पिक्चर ए और पिक्चर बी को अगर कंपेयर करोगे, तो पिक्चर ए में एंगल है 90 डिग्री का और पिक्चर बी में एंगल है 120 डिग्री का, जो कि बड़ा एंगल है। तो पिक्चर बी में जो बीम ने जो एरिया ऑक्यूपाई की है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू पिक्चर ए। सनरेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाउएवर एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। इन सम पार्ट दे आर परपेंडिकुलर, वेयर एज इन अदर पार्ट दे आर स्लैंटिंग। लेट अस सी व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन द अर्थ। सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर ट्रेवल करती है, वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, जिसकी वजह से पृथ्वी की कुछ सतह पर ये किरणें परपेंडिकुलर आती है यानी सीधी आती है, और कुछ सतह पर ये स्लैंटिंग आती है यानी तिरछी आती है। इससे पृथ्वी पर क्या परिणाम होता है ये समझते हैं। द परपेंडिकुलर रेज ऑक्यूपाई लेस एरिया, द पार्ट वेयर द रेज ऑक्यूपाई लेसर एरिया रिसीव ब्राइट सनशाइन एंड ग्रेटर हीट, एंड द सर्फेस देयर गेट हीटेड मोर एंड द एयर बिकम्स हॉटर। द स्लैंट रेज ऑक्यूपाई लार्जर एरिया, इन दिस एरिया सनलाइट अपीयर लेस ब्राइट एंड देर इज लेस हीट, एंड द सर्फेस देयर गेट लेस हीटेड एंड द एयर टू इज लेस हॉट। तो पृथ्वी की जिस सतह पर
परपेंडिकुलर रेज आती है, यानी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी आती है, वहां पर ये किरणें कम ज्यादा कम जगह ऑक्यूपाई करती है, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश जो है वो ज्यादा तेज होता है और जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है। इसी वजह से जो पृथ्वी की जो सतह है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और वहाँ की हवा में भी ज्यादा गर्मी होती है। पृथ्वी की जिस सतह पर तिरछी किरणें आती है सूर्य की, वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य प्रकाश जो होता है वो कम तेज होता है और यहाँ पर गर्मी भी कम होती है। पृथ्वी की जो सतह है वो कम गर्म होती है और यहाँ की हवा में भी कम गर्मी होती है। द रीजन मार्क ए इन फिगर रिसीव परपेंडिकुलर रेज, वाइल द रीजन मार्क बी रिसीव स्लेंट रेज, एंड इन द रीजन मार्क सी द रेज आर एक्सट्रीमली स्लेंटिंग। आप इस पिक्चर में अगर देखोगे तो सूर्य से जो किरणें निकल रही है वो रीजन ए में सीधी आ रही है, यानी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये किरणें जो अर्थ सरफेस पर पृथ्वी के सतह पर कम जगह ऑक्यूपाई कर रही है। उसी तरह बी रीजन में अगर देखोगे तो सूर्य की किरणें जो है थोड़ी तिरछी आ रही है और ये पृथ्वी की सतह पर थोड़ी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है कंपेयर टू ए रीजन। इसके बाद में अगर आप सी रीजन देखोगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तिरछी आ रही है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी के सतह पर ज़्यादा जगह ले रही है एज कम्पेयर टू ए रीजन और बी रीजन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। टेल द रीजन वेयर द टेम्परेचर विल बी हाई, बताइए कौन सी जगह का तापमान ज़्यादा रहेगा। द टेम्परेचर विल बी हाई इन द रीजन रिसीविंग परपेंडिकुलर सनरेज, उस जगह का तापमान ज़्यादा रहेगा जहाँ पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी सीधी रहेगी। अगला क्वेश्चन, टेल द रीजन वेयर द टेम्परेचर विल बी मॉडरेट, बताइए कौन सी जगह पर तापमान मध्यम रहेगा। द टेम्परेचर विल बी मॉडरेट इन द रीजन रिसीविंग स्लेंट रेज, उस जगह का तापमान मध्यम रहेगा जहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी आएगी। टेल द रीजन वेयर द टेम्परेचर विल बी लो, बताइए कौन सी जगह पर तापमान कम रहेगा। आंसर, द टेम्परेचर विल बी लो इन द रीजन रिसीविंग एक्सट्रीमली स्लेंटिंग रेज, उस जगह का तापमान कम रहेगा जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी रहेगी। सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर, हाउएवर वी हैव सीन दैट ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड द रिजल्टेंट कर्वेचर ऑफ द सरफेस दे ऑक्यूपाई अ लार्जर और लेसर एरिया, दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन टू टॉरिड टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर रीजन। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती है वो सीधी होती है और एक दूसरे में समानांतर होती है। पृथ्वी का आकार गोलाकार होने की वजह से पृथ्वी की सतह जो होती है वो कर्वी होती है, घुमाव होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर कहीं पर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है तो कहीं पर कम जगह ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर असमान वितरण होता है गर्मी का जो प्राप्त की जाती है सूर्य से, जिसकी वजह से इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल में तापमान के अंदर गिरावट आती है। इसी तापमान के वितरण की वजह से पृथ्वी को डिवाइड किया गया है कुछ जोन्स में, जिसके नाम है टॉरिड टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन, या कहा जाता है ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर रीजन। दाउ लैटिट्यूड इज द मेन फैक्टर, देर आर अदर फैक्टर ऑल्सो विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दिस फैक्टर आर एज फॉलोज, नियरनेस टू द सी, कॉन्टिनेंटेलिटी, हाइट अबाउ द मीन सी लेवल एंड फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन आर फैक्टर्स दैट लीड टू डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन। अदर देन दिस फैक्टर लाइक क्लाउड कवर, विंड, वेजिटेशन कवर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकल क्लाइमेट। लैटिट्यूड एक मुख्य कारण है, इसके अलावा कई और कारण हैं जिसका प्रभाव पड़ता है तापमान के वितरण पर। इस कारणों की बात करते हैं, जैसे कि जगह समुद्र से कितने नज़दीक है, उसकी कॉन्टिनेंटलिटी क्या है, समुद्र स्तर से कितने ऊपर उसका लोकेशन है, फिजिकल सेटअप क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स है, कुछ और कारण हैं, जैसे वहाँ के बादल कैसे हैं, वहाँ की हवाएँ कैसी है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, ग्रीनरी कैसी है, वहाँ का शहरीकरण कैसा है, उद्योगीकरण कैसा है, इन सारी चीज़ों की वजह से प्रभाव पड़ता है वहाँ के लोकल क्लाइमेट पर, वहाँ के लोकल जलवायु पर। हाउ विल द रेज फॉल बिटवीन, 0 degree एंड 23 degree 30 minute नॉर्थ एंड साउथ, इस जगह पर सूर्य किरणें कैसी गिरेगी। आंसर, बिटवीन 0 degree एंड 23 degree 30 minute नॉर्थ एंड साउथ द सनरेज आर परपेंडिकुलर एज इट इज इफेक्ट
दिस एरिया रिसीव ब्राइट सनलाइट एंड ग्रेटर हीट, देयरफॉर दिस एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन। 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और साउथ के अंदर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर होती है, यानी सीधी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। इस जगह को, इस रीजन को कहा जाता है टॉरिड जोन। अगला क्वेश्चन, 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ, इस जगह पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ द सन रेज आर स्लेंटिंग एज इट इफेक्ट्स दिस एरिया रिसीव लेस ब्राइट सनलाइट एंड लेस हीट, देयरफॉर दिस एरिया आर नोन एज टेम्परेट जोन। 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ, इस जगह पर सूर्य की किरणें स्लेंटिंग आती है, यानी तिरछी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम धूप होती है और गर्मी भी कम होती है। इस रीजन को, इस एरिया को कहा जाता है टेम्परेट जोन। अगला क्वेश्चन है, 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इस जगह पर सूर्य किरणें कैसी गिरेंगी? आंसर, बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द सनरेज आर एक्सट्रीमली स्लेंटिंग एज इट इफेक्ट दिस एरिया रिसीव एक्सट्रीमली लेस ब्राइट सनलाइट एंड एक्सट्रीमली लेस हीट, देयरफॉर दिस एरिया आर नोन एज फ्रिजिड जोन। 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इस जगह पर सूर्य किरणें काफ़ी ज़्यादा तिरछी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम धूप होती है और गर्मी भी काफ़ी कम होती है। इस एरिया को, इस जगह को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। Tell if the following statement is right or wrong, give reason. In order to understand the climate of a region, the latitudinal extent is more useful than the longitudinal extent. किसी भी जगह के क्लाइमेट को समझने के लिए हमें वहाँ के latitudinal extent ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा as compared to longitudinal extent. ये statement right है, क्योंकि तापमान के अंदर बदलाव longitude की वजह से नहीं आते, तापमान में बदलाव आते हैं latitude की वजह से। तापमान में गिरावट आती है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट हम जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़मीन को और पानी के गर्म होने में और ठंडे होने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हमें 2 सेम साइज़ के पॉट्स लेने हैं और उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में पानी डालना है। सनराइज होते ही हमें एक पॉट को घर के अंदर रखना है और दूसरे पॉट को घर के बाहर रखना है। आफ्टरनून में, दोपहर के समय, हमें नंगे पैर से घर के अंदर घर की फ्लोर को, फर्श के टेम्परेचर को, तापमान को फिल करना है और घर में रखे हुए पॉट के अंदर पानी के तापमान को भी फिल करना है। सेम एक्टिविटी हमें घर के बाहर जाकर भी करनी है। घर के बाहर की जो लैंड है, ज़मीन है, उसके तापमान को हमें फिल करना है और वहाँ पे रखे गए पानी के तापमान को भी चेक करना है और हमारे ऑब्जर्वेशन जो ज़मीन के तापमान के और वाटर के ऑब्जर्वेशन को हमें नोट डाउन करना है। ये सेम एक्टिविटी हमें शाम में 7 बजे फिर से करनी है और फिर से तापमान के ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि पानी की तुलना में ज़मीन जो है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर रखा हुआ जो पानी है वो हल्का सा गर्म रहेगा ज़मीन के तुलना में। ज़मीन और पानी के इस ठंडे और गर्म होने में जो फ़र्क है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी के ऊपर की जो हवा है उसे गर्म होने में टाइम लगता है और उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कोस्टल एरियाज़ की और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की। कोस्टल एरियाज़ वो एरिया होते हैं जो समंदर के नज़दीक होते हैं और कॉन्टिनेंटल एरिया जो होते हैं वो लैंड से कनेक्टेड होते हैं। कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो तापमान होता है वो दिन में कम होता है और रात में ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में दिन में तापमान ज़्यादा होता है और रात में कम होता है। अब ये क्यों होता है वो समझते हैं। कोस्टल एरिया जो होते हैं वो समंदर किनारे होते हैं, इसलिए वहाँ पर जब गर्मी होती है तो समंदर का पानी गर्म हो जाता है और वाटर वेपर जो है वो मिक्स हो जाते हैं हवा से। ये वाटर वेपर कुछ हीट होल्ड करते हैं हवा में, जिसकी वजह से वहाँ के तापमान के अंदर नमी होती है और गर्मी होती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ का जो तापमान होता है वो टोटली अपोजिट होता है। यहाँ पर वाटर वेपर नहीं होते हैं और यहाँ की हवा जो है वो टोटली ड्राई होती है, इसलिए यहाँ के टेम्परेचर में जो दिन और रात का टेम्परेचर होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। दिन के मैक्सिमम तापमान को और मिनिमम तापमान को डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। अगर शॉर्ट में समझेंगे तो कोस्टल एरियाज़ के जो दिन और रात का जो तापमान है उसके अंदर काफ़ी कम फर्क होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के तापमान में दिन के अंदर और रात के तापमान में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है।
इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमें एक पॉट में पानी लेना है और उसे बर्नर पर प्लेस करना है। उसके अंदर चार पांच छोटे प्लास्टिक के बटन डालने हैं और हमें पानी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही पानी गर्म होता है वो फैलता है और पॉट के नीचे में जो बेस में जो पानी हो गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है और जो ठंडा पानी होता है वो सरफेस की तरफ पुश होता है, तो अपने साथ वो बटन को भी नीचे लेकर जाता है। ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली होता रहता है, जिसकी वजह से एक अपवर्ड करंट सेट हो जाते हैं पानी के अंदर। निसर्ग और प्रकृति में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर तापमान के बदलाव की वजह से अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल करंट डेवलप हो जाते हैं समंदर के अंदर। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जो ज़्यादा समय के लिए अपने अंदर हीट को होल्ड कर कर रखते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा के अंदर जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इन गैसेस का जो अनुपात है, प्रोपोर्शन है, ये बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट का मानना है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो तापमान बढ़ रहा है उसकी ये एक वजह है। जिन गैसेस की वजह से तापमान बढ़ रहा है उसे ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जगह के तापमान को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के मैप को बनाया जाता है। इसको बनाने में आइसोथर्म की भी मदद ली जाती है। समान तापमान वाली जगहों को एक लाइन से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं आइसोथर्म। ये लाइन पैरेलल होती है लैटिट्यूड के। अब हम बात करेंगे थर्मामीटर की। अलग अलग थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है तापमान को मापने के लिए। मर्क्यूरी और अल्कोहल का इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में। मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है -130 डिग्री सेल्सियस। ये पदार्थ काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है तापमान को मापने के लिए, तापमान के बदलाव को निरीक्षण में लेने के लिए। -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक इस पदार्थ से आसानी से तापमान के वेरिएशन को निरीक्षण में लिया जा सकता है। तापमान को मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री सी लिखकर और डिग्री फ़ारेनहाइट को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री एफ लिखकर। दिन के सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान को निरीक्षण में लिया जाता है थर्मामीटर की मदद से। हवा को मापा जाता है सेल्सियस में। व्हाट इज द ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर फिक्स ऑन? थर्मामीटर का ट्यूब किस चीज पर फिक्स किया गया है? आंसर, द ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर इज फिक्स ऑन वुडन स्ट्रिप। थर्मामीटर के ट्यूब को वुडन स्ट्रिप पर फिक्स किया गया है। व्हाट सब्सटेंसेस इज यूज इन थर्मामीटर ट्यूब? क्या पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर के ट्यूब में? आंसर, मर्क्यूरी अल्कोहल इज यूज इन थर्मामीटर ट्यूब। मर्क्यूरी या अल्कोहल का इस्तेमाल होता है थर्मामीटर के ट्यूब में। व्हाट डू द फिगर्स ऑन द स्केल इंडिकेट? थर्मामीटर के ऊपर जो स्केल होती है उस पर जो फिगर होते हैं वो हमें क्या सूचित करते हैं, क्या इशारा करते हैं? आंसर, द फिगर ऑन द स्केल इंडिकेट्स टेम्परेचर। थर्मामीटर की स्केल पर जो फिगर होते हैं वो सूचित करते हैं, इशारा करते हैं हमें तापमान के बारे में। इन विच डिफरेंट यूनिट इज द टेम्परेचर मेजर्ड? किस डिफरेंट यूनिट्स के अंदर तापमान को मापा जाता है? आंसर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तापमान को मापा जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। व्हाट सीजन डज द टेम्परेचर इन द फिगर इंडिकेट्स? आपके सामने जो पिक्चर दी गई है इसके अंदर थर्मामीटर का जो तापमान है वो क्लोज टू 40 डिग्री है। इससे हमें किस सीजन का पता चलता है? आंसर, द टेम्परेचर इन द फिगर इंडिकेट द समर सीजन। हम इस पिक्चर को देख के हमें पता चलता है कि इसका तापमान जो है क्लोज टू 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी यह गर्मी का मौसम है। वेयर एम आई? द आइसोथर्म 0 डिग्री सेल्सियस रन इन माई सराउंडिंग। अगर मेरे पास के जो सराउंडिंग है वहाँ का अगर टेम्परेचर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैं कहाँ हूँ? आंसर, आई मस्ट बी इन द पोलर रीजन। ज़रूर मैं पोलर रीजन में रहूँगा। द मीन एनुअल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस अराउंड मी। अगर मेरे आसपास का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो मैं कहाँ हूँ? आंसर, आई मस्ट बी इन ट्रॉपिकल रीजन। ज़रूर मैं ट्रॉपिकल रीजन में रहूँगा। द मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड मी इज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे आसपास का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो मैं कहाँ हूँ? आंसर, आई मस्ट बी इन टेम्परेट रीजन। ज़रूर मैं टेम्परेट रीजन में रहूँगा। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। मैं समान तापमान वाली जगहों को जोड़ता हूँ। आंसर है आइसोथर्म। आई एम यूजफुल फॉर मेजरिंग द करेक्ट टेम्परेचर। मेरा इस्तेमाल सही तापमान को मापने के लिए होता है। आंसर है थर्मामीटर। आई गेट हीटेड ड्यू टू द लैंड और वाटर नियर मी। मेरी नज़दीकी ज़मीन और पानी की वजह से मैं गर्म होता हूँ। आंसर है एयर। लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू मी। मेरी वजह से ज़मीन और पानी गर्म होते हैं। आंसर है सन। आंसर द फॉलोइंग।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ अ रीजन, किसी भी जगह के तापमान और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में क्या रिश्ता है? आंसर, टेम्परेचर डज नॉट चेंज एज पर लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर चेंजेस एज पर लैटिट्यूड, द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तापमान में बदलाव लॉन्गिट्यूड की वजह से नहीं आते, तापमान बदलता है लैटिट्यूड की वजह से। तापमान में गिरावट आती है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक। व्हाट मेक्स द आइसोथर्म रन जिगजैग ओवर कॉन्टिनेंटल एरियाज, किन वजह से आइसोथर्म जिगजैग रन करता है कॉन्टिनेंटल जगहों पर? टेम्परेचर ऑफ कॉन्टिनेंटल एरियाज वेरी एज पर देयर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, एज वन मूव हायर अप फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंटल एरियाज द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस, ड्यू टू डिफरेंट इन द हाइट ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोथर्म वेरीज, वेजिटेशन कवर अर्बनाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, डज दिस फैक्टर ऑल्सो मेक्स द आइसोथर्म रन जिगजैग ओवर कॉन्टिनेंटल एरियाज। कॉन्टिनेंटल जगहों के तापमान के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, क्योंकि समुद्र स्तर से उनकी ऊंचाइयों की वजह से। जैसे ही कोई समुद्र स्तर से ऊपर की तरफ जाता है तापमान के अंदर गिरावट आती है। कॉन्टिनेंटल जगहों की अलग अलग ऊंचाइयों की वजह से आइसोथर्म के अंदर जो दूरियां है, डिस्टेंस है, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। वेजिटेशन कवर यानी ग्रीनरी, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, इन सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा विविधता आती है तापमान के वितरण में। इन सभी कारणों की वजह से आइसोथर्म जो है जिगजैग रन करता है, ऊपर नीचे रन करता है कॉन्टिनेंटल जगहों पर। एक्सप्लेन विद अ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ऑन द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। डायग्राम के साथ हमें समझाना है कि पृथ्वी के गोलाकार होने की वजह से अलग अलग लैटिट्यूड पर टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है, तापमान पर क्या असर पड़ता है। आपके सामने डायग्राम दिया गया है। पृथ्वी के गोल आकार होने की वजह से पृथ्वी की सतह जो है कर्वी हो जाती है, घुमाव हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर कहीं पर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है तो कहीं पर कम जगह ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से असमान वितरण होता है गर्मी का पृथ्वी पर जो प्राप्त की जाती है सूर्य से। 0 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सूर्य किरणें पड़ती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तेज़ सूर्य किरणें होती है और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, और इस जगह को, इस एरिया को कहा जाता है टॉरिड जोन। 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में जो सूर्य किरणें पड़ती है वो थोड़ी तिरछी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर कम धूप और कम गर्मी होती है, इन जगहों को कहा जाता है टेम्परेट जोन। 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इनके बीच में जो सूर्य किरणें पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा तिरछी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम धूप और काफ़ी कम गर्म होता है, और इन जगहों को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।